और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के एक पुराने वीडियो को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल मणिशंकर अय्यर के एक वायरल वीडियो में वो पाकिस्तान को इज्जत देने की बात कर रहे हैं, साथ ही वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। पुराने वीडियो को लेकर अब सियासी घमासान मचता नजर आ रहा है, पुराने वीडियो को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पाकिस्तान को इज्जत देने की बात कर रहे हैं। तो आखिर इस वायरल वीडियो में ऐसा क्या कहा उन्होंने जिसकी वजह से सियासत गर्मा गई है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं मणिशंकर अय्यर ने क्या कुछ कहा। पाकिस्तान को इज्जत दे भारत, इसके अलावा उन्होंने कहा कि बंदूक से कोई हल नहीं निकलेगा, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, वहां कोई पागल आ जाए तो क्या होगा। इसके अलावा उन्होंने इस बयान में कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, तब वो बम के बारे में नहीं सोचेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस ने किनारा किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अय्यर का बयान पार्टी का बयान नहीं है, अय्यर के बयान से असहमत है। तो वहीं अय्यर के वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है और चुनाव में ध्यान भटकाने की साजिश इसे बताया है। मणिशंकर अय्यर का वो बयान जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। पवन खेड़ा ने क्या कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मणिशंकर अय्यर के कुछ महीने पहले की गई कुछ टिप्पणियों से अपने आप को अलग करती है और पूरी तरह से उनसे असहमत है। देश समझ रहा है कि भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के दैनिक गलतियों एवं निरंतर डगमगाते प्रचार से ध्यान हटाने का ये प्रयास है, इन पुरानी व अप्रासंगिक टिप्पणियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो अय्यर के बयान पर कांग्रेस की सफाई आ चुकी है, कांग्रेस इस बयान से किनारा कर चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि यह अय्यर का बयान है, कांग्रेस का बयान नहीं है। Z News.